नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि है संडे का क्यू एन ए सेशन, यहाँ पे जो है मैंने कुछ पांच ऐसे सवाल जो है सेलेक्ट किए हैं जो कि मेजोरिटी पे जो है मेरे पास आ रहे थे, चाहे वो कमेंट के रूप में आ रहे थे, चाहे वो ईमेल्स के जरिए आ रहे थे। तो यहाँ पे इन पांचों सवालों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ब्लॉगिंग करियर को लेके। सो दोस्तों, इन पांचों सवालों के क्या हैं जवाब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, आज के ये जो सवाल हैं पांच, इनके जवाब जो है वो काफी अहमियत रखते हैं ब्लॉगिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला सवाल जो कि है कि क्या ब्लॉगिंग एज अ करियर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है मेरे पास डेली कह सकते हैं या तो ईमेल या फिर कमेंट के जरिए पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये पहला जो है सवाल इसको पहले नंबर पे रखा है कि ब्लॉगिंग को एज अ करियर हम जो है ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सो दोस्तों, ब्लॉगिंग को अगर करियर के रूप में अगर मैं सेलेक्ट करने की बात करूं तो डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले तो अगर आप कुछ साल पहले स्टार्ट करते तो शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस वक्त जो है कंपटीशन इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली नहीं था। और जो है अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और साथ ही साथ सर्च इंजन्स के अंदर भी इतनी ज्यादा जो कंडीशंस लग चुकी हैं, तो आपके ब्लॉग को जो है रैंक करवाना, उस पर ट्राफिक लेके आना और फिर उससे अच्छी खासी अर्निंग कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अगर ब्लॉगिंग को आप जो है एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आज भी बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं और ब्लॉगिंग को एज अ करियर लेके ही चल रहे हैं। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ जो है एक वीडियो ब्लॉगिंग भी चालू कर लें, क्योंकि यहां पे जो है आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेंगे तो उससे होगा क्या, क्योंकि आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है वीडियो का। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें काफी सारे आप खुद के आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं, तो उन आर्टिकल्स को तो पब्लिक तक पहुंचाना वो आपकी ही जवाबदारी है। तो इसीलिए जो है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको साथ में जो है यूट्यूब चैनल आप एक बना लीजिए। उसमें आप जो भी आप वहां पे आर्टिकल लिख रहे हो उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और वहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दीजिए, तो आपका जो है व्लॉगिंग करियर जो है काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। सो दोस्तों, यहां पे जो मैं अंत में यही चीजें बोलूंगा कि आप व्लॉगिंग को एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर पाते हैं। सो दोस्तों, दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि क्या व्लॉगिंग में अर्निंग होती है। तो यार, व्लॉगिंग की अर्निंग होती है कि नहीं होती है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसका कारण है, मुश्किल क्यों है, क्योंकि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो वाकई डिमांडिंग है कि नहीं है। यानी कि उसको आप जो कंटेंट लिख रहे हो, आप जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, उस कंटेंट को अगर देखने वाली ऑडियंस नहीं है तो डेफिनेटली यार उससे कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली, चाहे आप कितने भी आर्टिकल पब्लिश कर लें। तो ये अर्निंग आपकी तभी पॉसिबल होती है जब आप ऐसे टॉपिक्स पे काम करें, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करें जो कि डिमांड में है, जिन पे सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास जो है काफी अच्छी जो है ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आएगी, और जब ट्रैफिक आएगी तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी जो है वो काफी मतलब कहीं ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे जो है आपको मैं टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ, वीडियोस जो आते हैं मेरे उसमें भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि मैं धीरे धीरे सारी चीजें जो वर्डप्रेस के ऊपर भी आप क्या क्या कर सकते हैं प्रमोशंस के लिए, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताते चलूंगा। तो डेफिनेटली यार अगर आप ट्रैफिक लेके आ पा रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर तो डेफिनेटली आपका जो अर्निंग है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा कब, कि जब आप उस पर रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। सो दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्लॉगिंग के साथ अदर अर्निंग सोर्स क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ज्यादा मेरे से पूछा गया कि अगर हम व्लॉगिंग करते हैं तो सिर्फ व्लॉगिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें या इसके साथ और कौन सा सोर्स जो इनकम का हम खड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं
तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ब्लॉगिंग का, उससे बोल रहा हूं कि आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें। एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप जो कंटेंट लिख रहे हो तो उसके लिए आप प्लगइन्स का भी इस्तेमाल, अगर आपके वेबसाइट जो है, ब्लॉग जो है, अगर वर्डप्रेस वगैरह पे है तो प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, जहां से आप जो है उस प्लगइन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपने जो है ब्लॉग के अंदर लिंक वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ब्लॉगर के ऊपर हैं तो आप जो है Amazon, Flipkart जो इनके काफी सारे एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप उनके लिंक जो है वहां पे आप डाल सकते हो, जिसके जरिए भी आपको काफी अच्छी खासी जो है इनकम हो सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि ब्लॉगिंग के अंदर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक डाल के अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की जो अर्निंग होगी वो कहीं ज्यादा होगी आपकी गूगल के एडसेंस से ज्यादा। सो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके बाकी डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉग के ऊपर कितना ट्रैफिक आता है, उसी हिसाब से आपकी एफिलिएट मार्केटिंग और आपकी एडसेंस की अर्निंग जो है वो डिपेंडेंट होती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि खुद के आर्टिकल हैं तो भी क्या एसईओ करना जरूरी है। सो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है ज्यादा तो नहीं आया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीजें वीडियोस वगैरह देखते हैं जहां पे ये कहा जाता है कि आपका आर्टिकल खुद का होना चाहिए, यानी कि कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किया होना चाहिए, तो जो है आपका गूगल के अंदर रैंक कर जाएगा। सो दोस्तों यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, भले ही आपका कंटेंट खुद का है लेकिन फिर भी आपको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना होगा, तभी जो है आप उसमें गूगल के अंदर, सर्च इंजन के अंदर जो है टॉप रैंक पे आ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज अगर बना के घर पे बैठ जाओगे तो डेफिनेटली अगर उसको कहीं पे बताओगे नहीं तो आपको किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्या बनाया है, आपने क्या करते हो आप, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए भले ही आपके आर्टिकल खुद के हैं, SEO करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक को, सर्च इंजिन को, कि आपने वहां पर भी कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं जो कि काफी अच्छे हैं। सो दोस्तों अगर पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो कि आज के इस वीडियो का पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, वो है ब्लॉगिंग में सक्सेस होने में कितना टाइम लगता है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं और उनका बहुत सारे उनका कहना होता है कि सर हम जो है कुछ 5 महीने से कर रहे हैं, कोई बोलता 3 महीने से कर रहे हैं, कोई बोलता 2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कोई भी हमें इसके अंदर सक्सेस नहीं मिल रही है। अब सक्सेस अगर ब्लॉगिंग की अगर मैं बात करूं तो सक्सेस जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती है इसके ब्लॉगिंग के अंदर, तो इसमें आपको सक्सेस होने के लिए जो है काफी सारे चीजें करनी पड़ती हैं। आपको जो है आपके खुद के आर्टिकल्स पे ही काम करना, यानी कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो वो खुद लिखो, उस पे जो है आप SEO का जो भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखो कि आपके जितने भी आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, जो आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो वो SEO के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो उसके लिए जो है आप अगर वर्डप्रेस पे अगर यूज कर रहे हो तो आप जो है क्या कह सकते हैं कि उसके यूस्ट SEO करके एक प्लगइन है, उस काफी अच्छा प्लगइन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आपको जो है नीचे ही जहां पे आप आर्टिकल टाइप कर रहे हो उसी के नीचे जो है आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी जो है SEO फ्रेंडली जो आप टाइप कर रहे हो तो वो SEO फ्रेंडली है कि नहीं है। सो दोस्तों अगर इसके बाद की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं जहां पे आप जो है SEO फ्रेंडली आर्टिकल्स ऑनलाइन टाइप करके वहां से जो है अपने ब्लॉगर के ऊपर जो है उसको पेस्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें अगर मैं टाइम कितना लगता है तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप कितना रेगुलरली उस पर अपडेट करते हैं, किस हिसाब से जो है आपके जो कंटेंट आपने लिखा है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड होती है। और रही बात सक्सेस होने की, तो इसके अंदर जो है कई बार 8 महीने के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुके हैं और कईयों को जो है 1-2 साल भी लग जाते हैं सक्सेस होने में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस पर लगे रहते हैं तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों को तो उनका रिजल्ट जो है वो मिलता ही है। सो दोस्तों यही थे कुछ खास आज के 5 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे ब्लॉगिंग के लिए। तो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे
और ये जो मैंने उसके आंसर दिए वो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, कल अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।